किसी बात पर भरोसा मत करना। समझना जरा, जरा बात की डेप्थ को समझना। जब तक सफलता न मिले किसी बात पर भरोसा मत करना। अपनी ख्याली दुनिया, समझो दोस्त ध्यान से, अपनी ख्याली दुनिया, अपने झूठे विश्वास किसी पर नहीं। ख्याली दुनिया होती है ना, दरोगा बन जाऊंगा, गाड़ी से उतरूंगा, यूपीएससी निकाल दूंगा, सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर जमीन खरीद लूंगा, शादी हो जाएगी, ये कई चीजें होती है। अपनी ख्याली दुनिया, अपने झूठे विश्वास किसी पर नहीं। अपने मन से कहो मुझे अब रिजल्ट चाहिए। अपने मन से कहो मुझे अब रिजल्ट चाहिए। मैं अब काम चोरी या झूठे सपने देखकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। कई बार होता है कि काम चोरी, समय बर्बाद, झूठे सपने, बड़ी बड़ी बात दोस्तों और मोहल्ले वालों को सुनाने के लिए, चार दोस्तों के बीच में धाक जमाने के लिए हम कहते हैं पॉइंट वन से चूक गए। हम कहते हैं पीएससी, यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचना कि ये जो आज मन का ख्याली पुलाव है, कई लड़के लड़कियां क्या कहते हैं अक्सर का मैंने देखा है, जरा दो मिनट सुन लेना दोस्त। अरे हमारा मन ना बिजनेस में बहुत लगता है। तुम्हें पता है सभी सक्सेसफुल टाटा नहीं बन गए, बिरला नहीं बन गए। अगर यही बिजनेस बिना पढ़ाई के चल गया होता ना, तो सब कोई टाटा, बिरला और अंबानी बन गया होता। तो ये जो लोग थोड़ा सा बहाना बतियाते हैं ना कि हमारा बिजनेस में ज्यादा मन लगता है, दोस्त बुरा मत मानना, काम चोरी है वो तुम्हारी। तुम्हें जो अभी काम दिया गया उसको प्रूफ करके दिखाओ, उसके बाद ये माना जाएगा कि तुम उस काम में भी आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर क्या किया करो कि विश्वास रखो, झूठे सपने मत देखो न दिखाओ, सबसे ज्यादा अपने मन को। ख्याली पुलाव नहीं। कई लड़के होते हैं दो साल में जब मैं दरोगा बन जाऊंगा ना तब तुमसे शादी कर लूंगा, बस इसी साल एक साल में कंपटीशन निकल जाए ना फिर मैं अपने घर पापा से तुम्हारे लिए बोल दूंगी। कुछ नहीं होगा जब तक ठीक से पढ़ोगे नहीं, जब तक ख्याली दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे, न तुम पापा से बोल पाओगी न वो अपने घर पे बोल पाएंगे। सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे, फिर वो किसी और के साथ, आप किसी और के साथ, या तो घर में बैठ के अकेले ताली बजाएंगे। यही होने वाला है अगर अपने ख्याली दुनिया, ख्याली पुलाव, झूठे वादे, झूठे इरादों से बाहर नहीं आओगे। ये बात मान लेना, ये थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन हम स्टूडेंट के लाइफ की बहुत सच बातें हैं, तो इनको जरा प्रैक्टिकली समझो, जानो, सोचो और आगे बढ़ो। क्लियर है ना? चलो आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं।